अब दूसरी खबर पे हम चलेंगे और दूसरी खबर बहुत अफसोस के साथ हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। हमारा टेलीविजन गुलिस्तान टेलीविजन, हमारा कंसर्न दूसरा जो है जेके मीडिया नेटवर्क, हम बराबर सुबह से इस खबर पे काम कर रहे हैं, आप तक बराबर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। और यह है मौलाना अब्बास अंसारी की खबर। मौलाना अब्बास अंसारी जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा नाम, और आज सुबह वो इंतकाल कर गए। मौलाना अब्बास अंसारी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में अहम अहदों पर फाइज रहने के साथ साथ वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा थे और उसके साथ साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ठीक उस वक्त थे जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली में बातचीत भी की थी। और वही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मौलाना अब्बास अंसारी आज सुबह मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वो बीमार थे, श्रीनगर के सिख मस्जिद में वो एडमिट भी थे। और ये तस्वीर उनके आखिरी सफ़र की, जो उनकी लहद जो है जडीबल में आज बनी, वहाँ के लिए उनका आखिरी सफ़र जो है ये उसकी तस्वीरें, उन्हें जडीबल के आबाई कब्रिस्तान में आज बाद दोपहर सुपुर्द खाक किया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सईद अल्ताफ बुखारी भी पिछले दिनों उनसे मुलाकात के लिए, उनकी उनके सेहत अब के लिए देखने के लिए श्रीनगर के सिकम उनसे मिलने तशरीफ लाए गए थे। और मौलाना अब्बास अंसारी के बारे में बताते चलें कि वो श्रीनगर के पुराने शहर डाउनटाउन के इलाके में, ब्रारीपुरा के इलाके में पैदा हुए और यहाँ के मुकामी स्कूल से उन्होंने तालीम ही हासिल की। बाद में जो हमें मालूम हुआ कि ओरिएंटल कॉलेज श्रीनगर से उन्होंने ग्रेजुएशन की और फिर वो लखनऊ मजीद तालीम के लिए तशरीफ भी ले गए। उसके बाद वो नजफ इराक भी गए जहाँ उन्होंने आला तालीम हासिल की और अदब फ़लसफ़ा हदीस तफसीर इस्लामी फ़िका में उन्होंने और सियासत में भी उन्हें तालीम हासिल की। इराक में 8 साल रहने के बाद वो कश्मीर वापस तशरीफ़ लाए और फिर यहाँ उन्होंने एक जरीदा जो है माहाना रसाला जो है वो भी जारी किया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौलाना अब्बास अंसारी की वो तंजीम थी जिसमें सिर्फ मुसलमानों के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा करने के लिए यानी इत्तेहाद के लिए वो बड़ा दर्ज देते रहे थे। और 1963 में जब मौए मुकद्दस की चोरी का वाक़ा हुआ था तो उस वक्त भी उन्होंने मौए मुकद्दस के वाक़े के खिलाफ एक चोरी करने के खिलाफ एक मुहिम भी चलाई थी, एक मंजरनामे पर भी आए थे। फिर 1967 की 65 की हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग हो या 1975-70 की हिंदुस्तान पाकिस्तान, उस दौरान भी वो गिरफ्तार रहे, वो बंद रहे। और कश्मीर की सियासत में और ख़ास तौर पे जो अलहदगी पसंद सियासत है, हक़ खुद इरादियत की जो पाक कश्मीर नाम तौर पे बात की जाती है वो उसके अलमबरदार माने जाते हैं। मौलाना अब्बास अंसारी को आज अश्कबार आँखों से सुपुर्द खाक किया गया श्रीनगर के पुराने शहर जडीबल के इलाके में। ये तस्वीर आपने मौलाना अब्बास अंसारी की आज उनके आखिरी सफ़र की देखी, लेकिन